चोटी ही कर देते हैं, छोटा सा बना दे चोटी। चोटी नहीं बनाना है ना, बाल खोल के जाना है यहाँ पे कर रहे हैं ना, कि बाल को ऐसे कर देते हैं कि इसका फेस पे नहीं बाल है क्या, ठीक रहे हो ना ऐसे? हाँ हाँ ऐसे भी आए गए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आगे वाला छोटा है बहुत, क्लिप लगाना पड़ेगा, क्लिप लगाना पड़ेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी है सुबह की शुरुआत, सो मॉर्निंग 9:00, 9:30 हो रहा है। और अवनी के स्कूल में क्रिसमस फंक्शन है, तो उसके लिए अवनी हो रही है तैयार। और ये ड्रेस पहनी है, दिखाती हूँ बैक कैमरा से वैसे। और मैं बउआ को लेकर बैठी हुई हूँ, चाय पी रही थी, चाय पीना तो मेरा हो गया। और माँ भी आई हुई है, माँ भी फिलहाल अपनी मम्मी के घर रह रही है अभी। और ये हैप्पी मामा तैयारी करने में मदद कर रहे हैं, तो दिखाती हूँ मैं बैक कैमरे से। ये अवनी की मम्मा तैयार कर रही है अवनी को, ये हाईनेक पहनाया गया। हाईनेक ढूंढने में क्या क्या लफड़ा हुआ बताइए? बहुत पैदल चलना पड़ा था, कहीं मिल ही नहीं रहा था व्हाइट कलर का। हाँ, व्हाइट कलर का हाईनेक नहीं मिल रहा है, मोतीझील में केसरी होजियरी में। क्रिसमस है इसलिए व्हाइट कलर कंपलसरी था, और इस पे डांस होगा इसलिए पूरा अटायर जो है वो व्हाइट है। व्हाइट हाईनेक, व्हाइट फ्रॉक और व्हाइट लेगिंग्स, व्हाइट सॉक्स, और ये व्हाइट इसको क्या बोलते हैं, क्लिप तो लगा देने की, क्राउन आप ना लगाएंगे, क्या बोलेंगे तो वो वाला हो गया, इसको क्या बोलेंगे पता नहीं। ये सभी मतलब ड्रेस में कुछ रहता है वही हो, आगे से निपटती है, बहुत प्यारी लग रही हो अपनी ऐसे जाकर। और हैप्पी मामा गाइड कर रहे हैं कैसे कैसे पहनाना है, क्योंकि हैप्पी मामा को मन लगता है इस सब में। सेफ्टी पिन लगा देना अंदर में। हाँ नहीं वो है क्या बोलते हैं, जूड़ा पिन, जूड़ा पिन, हाँ है जूड़ा पिन लगाइए, वो सेफ रहेगा और खुलेगा भी नहीं। कैसी लग रही हो अपनी, सब्सक्राइबर्स को बताओ ना कैसा फीलिंग है तुम्हारा। अपनी उसको मत खोलो बार बार, अपनी अपनी फीलिंग शेयर करो। आपके पास ये पेंसिल वाला आईलाइनर है क्या? हाँ, कैसा वाला, कौन सा कलर? ब्लैक आईलाइनर नहीं है, काजल है, लिक्विड है मेरे पास, लिक्विड वाला आईलाइनर लेते हो? काजल है, लिक्विड वाला तो है यहाँ पे, छोड़ देना यहाँ उठाइए। तो ये स्वैग से सो रहा है, मेकअप हो रहा है, ये तो आ करो ना, दिख ही नहीं रहा है, अंदर बिता रही हूँ, जरूरत पड़ी स्कूल में। और अभी मैं उठी हूँ 8:30 उठी होंगी। फिर ये देखे मुस्कुरा रहा है, उसके बाद चाय वगैरह पिया है, इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ तब से, और बैठी हूँ अभी तक कि मालिश कर दूँगी, फिर बाकी का काम करूँ, कि सो ही नहीं रहा है बेड पे। क्या अभी आँख मत खोलो, दिखाओ तो लाडो को, ठीक है ना, इतना पतला एक आंख में मोटा लग रहा है, एक आंख में पतला लग रहा है, कितना रहा ही नहीं है। तो तुम मुझे देख, तुम यहीं पे हो बस, हीटर के पास ही हो, मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखा रहा हूं, जल्दी रहो शिखर ब्लॉग का खराब हो गया। और ये यहाँ पे सुखा रही है आईलाइनर। आप बचाओ, अरे कितना धूप, कैसे आ गया तुम्हें पता चल रहा है कितना धूप आ गया है? चला बिंदी लगा, ये यहाँ पे कान में पहन ली है, बस गिरा दो अपनी, फूट जाएगा ना, नहीं हाँ अच्छा लग रहा है, ये देखिए कान में अच्छा लग रहा है, मैच कर रहा है, अच्छा लग रहा है। तभी ये कान में पहन रही, तब तक मैं जा रही हूँ चाय बनाने, चाय बना लेती हूँ। हैप्पी बउआ को पकड़े हुए है, दोबारा चाय हो जाएगा, क्योंकि बुआ को पकड़े पकड़े चाय पी रही थी तो चाय पीने का मज़ा नहीं आया, और ठंड में ना चाय वाय ज़्यादा मन करता है पीने का गरम गरम। तो चलिए चाय बनाती हूँ। डांस करके दिखाओ ना जल्दी, मत कर। और ये हड़बड़ी हो रहा है जाने के लिए, लेट हो रहा है, तो हैप्पी इस तरीके से टेबल के ढक्कन में चाय पी रहा है। और इधर ये चाय, मम्मी ब्रश कर रही है। कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है पीएसए चाय पीना? एडवांस दिलाया ना तो कट जाता है। और अपनी मैडम रेडी है, दिखाओ तो अपनी मैडम कैसी लग रही हो, वाव।
गुस्सा आ रहा है क्योंकि इसको लेट हो रहा है। फेंको नहीं फेंको, चाय पी के जाएंगे। आए और मैं यहाँ बउआ को पकड़ी हुई हूँ जब तक मेरा चाय नॉर्मल कंडीशन पे नहीं हो जाता है। फिर मैं चाय पी लेती हूँ, चाय पीने के बाद फ्रेश होने जाऊंगी, फिर नाश्ता वगैरह करूंगी। बज गए 10, अभी निकल रहे हैं हैप्पी भाभी और अभी और बउआ को छोड़ के आई है। भाभी अपने मम्मी के घर पे इसीलिए जल्दी से लौट के आएंगे। देखते हैं कितने देर का फंक्शन होता है। बाय बाय। तो ये भाभी लोग निकल गए तो मैं फटाफट से मेरा चाय ख़त्म करती हूँ और इधर बउआ का मालिश होने की तैयारी चालू हो गई है, मतलब स्टार्ट हो गया, मालिश होगा अभी दो तीन बार तो होता ही है कम से कम, सुबह दोपहर शाम को टाइम मिला तो एक आध बार और कर देती हूँ। पैरों की मालिश वगैरह तो बहुत ज़रूरी होता है ठंड में। और यहाँ पे ना थोड़ा हवा चल रहा है, नहीं तो छत पे लेके जाते तो विटामिन डी मिल जाता तो वो बहुत अच्छा होता है बेबी के लिए। तो देखते हैं किसी दिन मौसम अच्छा रहेगा तो फिर छत पे लेके जाऊंगी, धूप लग जाएगा। तो खैर चाय ख़त्म करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से, बने रहिएगा ब्लॉग में वीडियो में। तो बउआ का मालिश हो गया है और अभी मम्मी गई है नहाने, मालिश करने के बाद मैंने बोला मम्मी नहा लो तब तक मैं बेड वगैरह ठीक करूँगी, फिर अभी मैं ली हुई हूँ और उसके बाद फिर मम्मी आएगी तो मम्मी बउआ को ले लेगी तो फिर मैं नहाना वगैरह कर सकती हूँ। और मीनवाइल मुझे बेड वगैरह भी ठीक करना है। तो एक्चुअली हो क्या रहा ना प्रॉब्लम, दिन को ये सोता नहीं है, रात को सोता है, दिन में मतलब गोद में सो जाता है ऐसे सोता है बट बेड पे बिल्कुल भी नहीं सोता है। तो मतलब खाना भी इसको लेकर ही करना पड़ता है, ब्रश भी लेकर करना पड़ता है इस तरीके से। और अभी बैग नहीं ले रहे क्योंकि नेक्स्ट टेबल नहीं है ना, तो बेबी बैग कैसे ले सकते हैं जब तक नेक्स्ट टेबल नहीं होता, तो ये थोड़ी मुश्किल हो रही है। और भाभी अपनी मम्मी के घर पे हैं, रीज़न समझ सकते हो, घर में दो बच्चे और अवनी भी अभी बच्ची ही है तो नहीं हैंडल हो पा रहा था, तो अभी वो कुछ दिन के लिए अभी मम्मी के घर गई है, मैं इधर हूँ। तो थोड़ा सिस्टमेटिक हो गया है सब कुछ, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, एक ही टाइम पे कभी कभी दोनों रोना शुरू कर देते थे तो और दिक्कत हो जाती थी किसको हैंडल कैसे किया जाए। तो अभी मैं जुगाड़ करके बेड ठीक करने जा रही हूँ तो दिखाती हूँ क्या जुगाड़ है। मैंने इसे ब्लैंकेट डाला हुआ है और चेयर पे रख दी हूँ और ये बहुत कंफर्टेबल वे में अभी लेटा हुआ है, मतलब हाफ सोया हुआ है और इतने में मैं फटाफट से बैठ ठीक कर लेती हूँ। तो यही है मेरा जुगाड़। और अभी झूला वगैरह नहीं ले सकते हैं क्योंकि मुझे यहाँ रहना नहीं है, फिर मुझे नासिक जाना है वापस, तो फिर सब चीज़ें सामान लेकर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जब तक लेटा हुआ है खेल रहा है तब तक मैं फटाफट से बेड ठीक कर लेती हूँ। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं और उसके बाद फिर मैं अपना बाकी का काम है वो करूँगी, नहाना वगैरह। मम्मी नहा कर आ जाएगी तब बउआ को पकड़ लेगी, फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। तो यही था आज का ब्लॉग, आज का वीडियो। और फिर बीच में ना ये उठ गया था बउआ, तो फिर मैं इसको लेकर फिर थोड़ा थोड़ा जो काम है वो कर रही हूँ बेड ठीक करने का। और फिर मीनवाइल बउआ को चुप करा रही हूँ, फिर जब वो शांत हो जाएगा तो फिर उसको रख दूँगी उसी तरह चेयर पर। मुजफ्फरपुर डेवलप हो गया है। तो अभी आए हैं हैप्पी के घर पे खाना खाने के लिए, पहुंच गए तो सेल्फ इनविटेशन के साथ जा रही हूँ अंदर। चलो हैप्पी,
ये देखिए अपनी अनाया को खोल ली। हेलो अमीषा आई है जो छुप छुप के पानी पी रही थी पिछले ब्लॉग में। इस बस की परी और अवनी को योगा कर रही है अवनी बहुत। और यहाँ पे भाभी सुनाई जा रहा दे रही है कंबल लेके बैठी है फोल्ड करने के लिए और साथ में अवनी को खाना खिला रही है। तो यहाँ से खाना खाने के बाद जाएंगे विशाल। विशाल से कुछ कपड़े लिए गए थे आदिदेव लेकर आए थे बुआ के लिए तो वो चेंज करना है इसलिए ज़्यादा है सब लटक के जाएंगे सब लटक के जाएंगे हैप्पी मम्मा जी। गेट में ना ये किल्ली फंसाने वाला स्टॉपर कसी तो लग गया ना पे चप्पल पहन के थे हम तब भी लगा है ठीक हमारे ठीक है चलो बाय। को चोट लग गया बस हाँ लग जाएगी ठीक बाय। तो अभी आई हूँ घर पे थोड़ा एक्सचेंज वगैरह का काम करना था वो किया लेकिन ब्लॉग शूट नहीं कर पाई विशाल पे जाने के बाद क्योंकि लेट हो रहा था और ब्लॉग वगैरह करते तो टाइम लग जाता और बुआ बेबी उठ के रो सकता था वैसे रोया नहीं है। मम्मी से थोड़ा डांट पड़ा है कि इतना अभी क्या ज़रूरत था लेकिन वो एक्सचेंज करना था कपड़े वगैरह लेकर आए थे तो ना किसी में चेन था तो चेन बच्चे को लग सकता है तो वो चेन वाला जितना ड्रेस था वो सब चेंज कर दिया है और फिर एक स्वेटर था वो चेंज करना था साइज़ वगैरह तो इसलिए गए थे। अभी जा रहा है और इसको लगा है गेट में ज़ोर से स्टॉपर में बाय बाय फिर आना। चलिए मैं चेंज वेंज करती हूँ और बबुआ के पास जाती हूँ। बहुत देर से उससे दूर हूँ तो मन एकदम नहीं लग रहा मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाहर निकलती हूँ तो और मतलब ऐसा होता है कि कब घर पहुँचूँ बबुआ कैसा होगा रो रहा होगा या नहीं रो मतलब दिमाग वहीं पे अटका हुआ रहता है। तो अभी जाके चेंज वेंज करके फिर उसके पास जाऊँगी क्योंकि बाहर से आई हूँ मैं।